दिल्ली चुनाव खत्म होते ही लोगों को महंगाई का करंट लगा है। बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दामों में करीब 150 रुपए का इजाफा हुआ है। 5 साल के दौरान एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में यह अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। महंगाई का करंट, गैस की कीमत आपको बता रहे हैं, कोलकाता में 149 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में सिलेंडर की कीमत 829 रुपए 50 पैसे हुई है। चेन्नई में अब 881 रुपये में मिलेगा गैस का सिलेंडर। बिना सब्सिडी वाले की बात हो रही है। ये तो बहुत बेकार काम हुआ, क्योंकि पहले 400 रुपए सिलेंडर आता था, अब 800 हुआ, उसके बाद अब 900 रुपए हो गया है। हम आम आदमी जो 4,000-5,000 रुपए कमाते हैं, अगर 1,000 रुपए का हम सिलेंडर ही ले लेंगे तो हम बाकी खर्चे कैसे पूरे करें। 100 रुपए का सिलेंडर मैंने भी लिया था, पिछले महीने ही लिया था, कि मतलब वो बजट के अकॉर्डिंग हो ही नहीं पाता है। 1,000-2,000 रुपए का तो राशन पानी ही हो जाता है, उसके बाद सिलेंडर का 1,000 रुपए कट गया, तो जो 5,000-6,000 रुपए जो कमाते हैं उनका परिवार नहीं चल पा रहा है, इसलिए उनको सोचना चाहिए सरकार को। चीज में महंगाई बढ़ रही है, घरेलू राशन है, सब्जियाँ हैं, तेल है, सब चीज़ महंगा हो रहा है, तो इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों को 4,000-5,000 महीने की आमदनी है, तो क्या करें, सरकार को चाहिए कि ये सब सस्ता करे। कोई नौकरी है ना चाकरी है, सरकारी ना कुछ है, जैसे चलता है बच्चे सब वैसे चलता है। बच्चों की बड़ी तकलीफ होती, पढ़ाने लिखाने में तकलीफ होती, कैसे क्या करें। ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी की बात है, क्योंकि जो है जो आजकल मजदूरी लोग करते हैं, इस तरीके करते हैं, इस चक्कर में बच्चे कहाँ, मतलब कहाँ आदमी 1,000 रुपये ले पाएगा गैस सिलेंडर का दाम। मोदी जी को चाहिए कि कम से कम घरेलू गैस के तो दाम कम ही कर दें। हाँ, रेट बढ़ने से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, बजट बिगड़ जाता है किचन का, इसलिए हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी होती है किचन की, तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इसके लिए हम लोगों को। ना पैसा बढ़ गया है, 144 रुपये एक साथ बढ़े हैं, तो इसमें बहुत दिक्कत होती है हमें घर का खर्चा चलाने में। इसके लिए कुछ होना चाहिए, सरकार को चाहिए कि महंगाई कम करे। इतनी महंगाई है, कहीं कोई प्रोग्रेस नहीं है, ना कमाई में प्रोग्रेस है, हर चीज़ में मतलब गड़बड़ेशन है, हर चीज़ सब्जियों में तो दाम बढ़े, खाने पीने चीज़ों में तो दाम बढ़े हुए हैं। आम आदमी के लिए जो एक निम्न वेतन भोगी इंसान है, उसके लिए ये बहुत बड़ा इजाफा है कीमतों में। 150 रुपये लगभग बढ़त बहुत मायने रखती है। जो लोग 10,000 रुपये कमाते हैं वो 1,000 का सिलेंडर खरीदेंगे तो बाकी खर्चे और कैसे चलेंगे। बताया 10 रुपये जाता है, बढ़ा दिए जाते हैं 150 रुपये, उससे हम गृहणियों को बहुत असुविधाएँ होती हैं, क्योंकि हम लोगों का बजट तो उतना ही होता है और आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पैसे ज़्यादा बढ़े हुए हैं और सब्जियों की भी पैसा बढ़े हुए हैं, महंगाई इतनी है, आदमी हमारे इतने कमाते नहीं, प्राइवेट नौकरी है। इतनी सारी महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, दाल सब्जी प्याज वगैरह, प्याज तो वह बहुत ही ज़्यादा महंगा रहा है, अब सरकार प्रॉपर बढ़ाती चली जाती तो कैसे गृहस्थी चलेगी। सारा बजट गड़बड़ाया जाता है पूरा महीना, इतनी आमदनी है नहीं जितना कि मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है। एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 7,000-8,000 ज़्यादातर प्राइवेट में, और बेचारे और गरीब होते हैं, उनकी तो 3,000-4,000 होती है, तो वो कहाँ से मेंटेन करेंगे अपना। बिजली के भी बिल इतने बड़े हैं, सब्जी के भी बड़े हैं, बच्चों की पढ़ाइयों में भी कंट्रोल नहीं हो पाता। मोदी सरकार को महिलाओं ने ही जिताया है, और मोदी सरकार को कम से कम हम महिलाओं पर ध्यान देना चाहिए। गरीबों का कैसे खाना बनेगा, कैसे गरीब खाएंगे खाना, इतना नहीं मोदी सरकार को बढ़ाना चाहिए। जो मोदी सरकार कर रहे हैं कहीं सही कर रहे हैं, कहीं गलत कर रहे हैं, और मोदी सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो गैस में 149 रुपये का बढ़ा दिए, 10-20 आदमी मैनेज कर लेता है, लेकिन 149 रुपये बढ़ाएं ये बहुत ज़्यादा है।